महंगाई का डबल अटैक, पेट्रोल और डीजल ने दिया जोर का झटका। घरेलू एलपीजी के गैस में भी 50 रुपए की बढ़ोतरी की गई। काफी समय से इस बात की संभावना जताई जा रही थी, वो आज हो गया है और देश में पेट्रोल और डीजल के दाम आज फिर से बढ़ गए हैं। पेट्रोल डीजल के दामों में ये इजाफा आज कच्चे तेल की लगातार चढ़ती कीमतों और रूस और यूक्रेन युद्ध के चलते ग्लोबल तेल के दाम बढ़ने के चलते हुए हैं। पेट्रोल और डीजल में 80 पैसे प्रति लीटर का इजाफा किया गया है। अब से कीमतों में रोजाना बढ़ोतरी की भी आशंका जताई जा रही है। आपको बता दें कि बड़े पेट्रोल डीजल के दाम 137 दिन बाद बढ़े हैं और इससे पहले 4 नवंबर को देश में ईंधन के दाम बढ़े थे। आज सुबह 6 बजे से नई कीमतें लागू हो चुकी हैं। आपको बता दें कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 95 रुपए 41 पैसे प्रति लीटर से बढ़कर 96 रुपए 21 पैसे हो गई है, जबकि डीजल का भाव 86 रुपए 67 पैसे से लीटर से महंगा होकर अब 87 रुपए 47 रुपए प्रति लीटर पहुंच चुका है। भारतीय पेट्रोलियम कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के लेटेस्ट अपडेट के मुताबिक देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में 22 मार्च 2022 को पेट्रोल के रेट 109 रुपए 98 पैसे प्रति लीटर से बढ़कर 110 रुपए 82 पैसे प्रति लीटर जा पहुंचे, जबकि डीजल की कीमत 95 रुपए प्रति लीटर पहुंच गई है, जो कि 4 महीने से 94 रुपए 14 पैसे प्रति लीटर बिक रहा था। तो वहीं घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम में भी 50 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। नई कीमत आज यानी कि मंगलवार से लागू हो जाएगी। घरेलू एलपीजी सिलेंडर के रेट 6 अक्टूबर 2021 के बाद बढ़े हैं। आज से घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत दिल्ली में 899 रुपए 50 पैसे से बढ़कर 949 रुपए 5 पैसे हो गई है। एक्सप्रेस न्यूज हिंदी पर वीडियो देखने के लिए करें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। बेल आइकन दबाना ना भूलें।